हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नीले सियार की कहानी सुनाती हूँ। आप लोग ने सुनी है क्या? कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। एक बार एक सियार था जो बहुत ही भूखा था। वो एक छोटे से गांव में जाता है शिकार करने के लिए। शिकार करते करते अचानक से उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती है, वो तेजी से दौड़ जाता है। वो इधर भागता है, उधर भागता है, उसे कोई जगह चाहिए होती छुपने के लिए। अचानक से उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है जो एक कपड़े रंगने वाले का होता है। वो अंदर जाता है, वो कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। अचानक से उसे एक टब नजर आता है, वो उस पर कूद जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि उस टब के अंदर नीला रंग था। उसे बहुत देर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, वो तब तक बाहर ही नहीं निकलता है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह को वो सोचता है कि अभी से बाहर निकल जाना चाहिए। वो धीरे 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 बाहर निकलता है। वो देखता है कुत्ते तो वहां नहीं है, तो जंगल की ओर भाग जाता है। जैसे ही जंगल में पहुंचता है, सारे जानवर देख के उसे घबरा जाते हैं। एक जानवर बोलता है, ये तो बड़ा ही अजीब जानवर है, नीले रंग का। दूसरा बोलता है, इसमें जरूर कोई ना कोई शक्ति तो होगी। सारे जानवर घबरा जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। सियार सोचता है, ये क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं सब। तो वो सोचता है कि मैं नदी के वहां जाता हूँ। वो नदी के पास जाता है और अपनी परछाई देखता है। जैसे वो अपनी परछाई देखता है वो तो नीला रंग का है। लेकिन सियार भी बहुत ही शातिर होता है। वो वापस उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर भगवान ने भेजा है, तो मैं यहाँ का राजा हूँ। शेर, तुम मेरे मंत्री हो। चीता, तुम मेरे लिए शिकार पकड़ के लाया करोगे। तुम सब मेरे लिए काम क्या करोगे। सब मान जाते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं कि भगवान ने भेजा है मतलब उसमें बहुत पावर होगी। सब उसके काम में लग जाते हैं, रोज उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए शिकार लाते हैं। वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीने लगता है। सारे जानवर उसकी सेवा करते थे, उसे और क्या चाहिए था, वो अपनी आराम से जिंदगी जी रहा था। एक दिन रात को सारे सियार जोर जोर का चिल्लाने लग गए, जो सियारों की रोज की आदत होती है। इस आदत की वजह से ये सियार भी जोर जोर का चिल्लाने लग गया। ये सुन के बाहर बाकी सारे जानवर घबरा जाते हैं। जाके देखते हैं तो उन्हें सब समझ आता है। उस नीले सियार को बहुत मारते हैं। तब उस नीले सियार को सबक मिल जाता है। तो बच्चों, क्या सीखे, बताओ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होता है। बाय। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शेर आया वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही मजेदार कहानी है। एक बार एक गांव में बिल्लू नाम का छोटा सा बच्चा रहता था। बिल्लू बहुत ही शरारती था। वो अपने पिता के साथ वहां पर रहता था। उसका पिता जो था वो एक चरवाहा था। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी, तो वो रोज मैदान में ले जाकर उन्हें चराने जाता था। एक बार उसने बिल्लू को कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम इन बकरियों को चरा लाओगे क्या। बिल्लू बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, चलो इसी बहाने में वहां पर खेल भी लूंगा। वो उन भेड़ बकरियों को लेकर मैदान में चला गया और वहां पर एक पेड़ पर बैठ गया। थोड़ा टाइम हो गया तो उसको लगा कि मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्या करूं। शरारती तो था वो, तो वो कुछ उसने सोचा और फिर धीरे धीरे जोर जोर से चिल्लाने लग गया, अरे मुझे बचा लो, अरे शेर आ गया, अरे ये सबको खा जाएगा, मुझे बचा लो। जैसे ही उसकी आवाज गांव वालों ने सुनी, वो भागते हुए वहां पर आए। अरे चलो, लगता है वहां पर मैदान में शेर आ गया है और वो बच्चा अकेला है, हमें उसे बचाना है। सब वहां भागते भागते पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वो बिल्लू जोर जोर से हंस रहा है। अरे, मैंने तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है, यहाँ पे तो कोई भी शेर नहीं है, क्या हुआ, शेर ढूंढने आए हो? बेवकूफ कहीं के। और ये कहकर फिर से हंसने लगा।
लोगों को बड़ा गुस्सा आया। वो अपना मन मार के रह गए और वापस चले गए। फिर कुछ दिन के बाद सेम चीज हुई। बिल्लू ने फिर से उन लोगों को बेवकूफ बनाने की सोची और इस बार फिर और जोर से चिल्लाया, अरे शेर आया, सच्ची में शेर आ गया, मुझे बचा लो, ये मेरी भेड़ बकरियों को खा जाएंगे, अरे मुझे भी खा जाएगा ये। लोगों के हाथ में जो भी आया, भाला, तीर या लकड़ी, डंडा, जो भी आया वो लेकर भागे और वहां पर पहुंचे तो देखा फिर से बिल्लू बैठा हुआ हंस रहा है और वहां पर कोई भी नहीं है। तो लोगों ने उनसे कहा, अरे बिल्लू ये क्या है, तुम्हारा हर रोज का नाटक हो गया है, जब यहाँ पे शेर नहीं था तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो, हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। बिल्लू हंसने लगा, आती है ना शर्म, लेकिन आपको शर्म नहीं आती, एक छोटे से बच्चे से बेवकूफ बन जाते हो। फिर से हंसने लगा। गांव वाले इस बार गुस्से में थे, उन्होंने आपस में कहा, ठीक है ये बिल्लू बहुत ही शरारती है, इस बार कुछ भी हो जाए हम इसकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे, ये हमेशा बेवकूफ बनाता है, शेर वगैरह कुछ नहीं आता है। फिर वो चले जाते। एक बार बिल्लू भेड़ बकरियां चरा रहा था कि अचानक वहां पे शेर आ गया और बिल्लू ने शेर को देखते ही पसीना छूट गया। बिल्लू फिर से पेड़ पर भागता हुआ चढ़ गया और चिल्लाने लगा, अरे अरे बचा लो शेर आ गया, सच्ची में शेर आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आ जाओ मुझे बचा लो, मेरी भेड़ बकरियों को बचा लो। लेकिन गांव वालों को उसकी आवाज तो सुनाई दी, लेकिन इस बार भी वो समझ गए कि ये बेवकूफ बना रहा है और हम पर जाते ही हंसने लग जाए। तो इस बार वो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे और नहीं बचाएंगे। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा और उसके सामने ही शेर उसकी सारी बकरियों को एक एक करके खा गया और फिर वहां से चला गया। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज उसके पिता को सुनाई दी। वो भागते हुए वहां पर आया तो देखा सारी भेड़ बकरियों को वो शेर खा चुका। बिल्लू नीचे आया और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता उससे बहुत नाराज था। उसने बोला, बेटा ये भेड़ बकरियां ही तो हमारा जीने का सहारा था, तुम्हारी नादानी और बेवकूफी की वजह से, झूठ बोलने की आदत से देखो हमने अपनी सारी भेड़ बकरियां खो दी, अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। बिल्लू को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। वो रोते हुए बोला, पिताजी पिताजी मुझे माफ कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब क्या हो सकता था पछताने से, उसकी भेड़ बकरियों को तो शेर खा चुका था और उसके झूठ बोलने की वजह से लोग भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। तो बच्चों इस कहानी से क्या सीखे, यही कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार देखा ना, हर बार शेर आया करता था, जब सच्ची में शेर आया तो लोग नहीं आए। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सियार और एक जादुई ढोल की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक सियार जंगल में घूमते घूमते जा रहा था, उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी लेकिन खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके ऊपर धूप पड़ रही थी, बहुत थक गया था वो, इधर उधर पूरे जंगल में भटकते हुए चला ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। अचानक वो चलते चलते एक रणभूमि में आ गया। रणभूमि किसे कहते हैं, रणभूमि जहां पर युद्ध होता है। तो वहां पर उसने देखा चारों तरफ हथियार पड़े हुए हैं, लड़ाई का सामान पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो ये सब देखकर धीरे धीरे वहां सोचता है कि शायद कुछ खाने को आसपास मिल जाए। वो इधर उधर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक ढम 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 की आवाज आने लगती है। सियार घबरा जाता है, अरे अरे ये कैसी, ये कैसी आवाज है, लगता लड़ने वाले लोग यहीं पे कहीं हैं, वो मुझे मार डालेंगे, मैं भागता हूँ। वो भाग से डर के भाग जाता है, थोड़ी दूर जाता है। वो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक बार देखो तो सही, शायद मेरा बहम ही हो। वो फिर से धीरे 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 जंगल की तरफ आता है और फिर से उन झाड़ियों की तरफ जाता है जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन अचानक फिर से ढम 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 की आवाज शुरू हो जाती है और वो फिर से सरपट वहां से भागता है। भागते 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 बोलता है, अब वापस नहीं आऊंगा, नहीं तो मारा जाऊंगा। लेकिन फिर उसका मन कहता है, नहीं नहीं डरने की क्या जरूरत है, क्या पता कुछ ना हो। फिर से एक बार मुड़ के वापस आता है और धीरे 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 चलते हुए झाड़ियों के पास पहुंचता है।
तो फिर से एक बार होती है डम, वो घबराता है, फिर से डम डम, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा अपना मन मनाकर उन झाड़ियों के पीछे की तरफ जाता है, सोचता है जो होगा देखा जाएगा, कोशिश तो करो, वैसे भी तो भूत से मरा ही जा रहा हूं ना। तो वो जाता है और जैसे ही वो पीछे देखता है वहां पे एक ढोल पड़ा है, और वो जो ढोल की आवाज थी वो, क्योंकि उसके पास कुछ पेड़ की टहनियां थी, जो झाड़ी थी उसकी छोटी छोटी टहनियां, तो वो बार बार हवा की वजह से उससे टकरा रही थी, जिससे ढम 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 की आवाज आ रही थी। अब सियार की समझ में सब कुछ आ गया, वो अपनी बेवकूफी पर हंसा। मैं भी ऐसे ही डरे जा रहा, ये तो ढोल है। फिर उसने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए, हो सकता है जो ढोल बजाने वाले हैं उन्होंने कुछ आजू बाजू में खाना ही रख छोड़ा हो। वो ढोल के आसपास जाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको जोर जोर से उसके ऊपर कूदता है, लेकिन ढोल से तो सिर्फ आवाज आती है ढम 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 ढम। फिर वो हताश होकर जोर से जंप मारता है, लेकिन ढोल जो है वो भी लुढ़कते हुए साइड गिर जाता है और सियार भी, वो अपना सर बचाता। अरे 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 मर गया। जैसे ही वो जहां पे ढोल रखा था वहां देखता है, तो वहां पे क्योंकि ढोल तो खिसक चुका था, उस जगह पे उसको कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं और खाने का सामान। बहुत खुश होता है, फटाफट भाग कर वहां जाता है। अरे वाह, तुम मेरी मेहनत काम लाई, अगर कहीं डर जाता तो भूख के मारे ही मर जाता। और फटाफट मांस के टुकड़ों को और उस खाने को खा जाता है। तो बच्चों इससे क्या समझे, यही कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जो भी चीज है उसकी सच्चाई का पता करने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है जो आप समझ रहे हो उससे बिल्कुल अलग हो, जैसे सियार उसे कुछ डरावनी चीज समझ रहा था, लेकिन आखिर में उसे उसका खाना वहीं पे मिला।